सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। पीरियड साइकिल के दौरान अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, साथ ही जानेंगे कि इस कंडीशन में कौन सी टैबलेट आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है और उसमें हैवी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, काफ़ी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, साथ ही उसकी कौन सी टैबलेट कौन सी मेडिसिन होती है, यही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कारणों के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहला कारण है, अगर आपको PCOS या फिर PCOD की प्रॉब्लम है या फिर आपके पेल्विक रीजन में किसी प्रकार की सिस्ट या कोई ट्यूमर है, तो हो सकता है कि आपको उसके चलते हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल रही हो, आपके पीरियड्स के समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो जो कि सामान्य से ज़्यादा है। दूसरा कारण है कि अगर आपके यूट्रस में किसी प्रकार की सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स हैं, तब भी आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तीसरा कारण है पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़, अगर आपके पेल्विक रीजन में किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तब भी आपको उसके चलते हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। चौथा कारण है, अगर आपका हार्मोन्स जो कि इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, अगर ये ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं, सामान्य से कम या ज़्यादा है, उसके चलते भी आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। पाँचवा कारण, अगर आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसके चलते भी आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अगला कारण है कि अगर आपको ब्लड डिसऑर्डर है, खास तौर पर अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, मतलब कि प्लेटलेट्स काउंट अगर आपके कम है, तो उसके चलते भी आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है जो कि सामान्य से ज़्यादा होती है। अगला कारण है, अगर आपको सर्वाइकल एरिया में जो आपका सर्विक्स है उसके नज़दीक अगर कोई पॉलिप है, तो उसके चलते भी आपको सामान्य से ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये तो कुछ कारण थे, हो सकता है कि इनके अलावा भी आपको कोई कारण हो जिसके चलते आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल रही हो। आगे जानते हैं उस मेडिसिन उस टैबलेट के बारे में जो इस कंडीशन में प्रेस्क्राइब की जाती है। तो गाइज देखिए, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो इस कंडीशन में प्रेस्क्राइब की जाती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन का नाम बता देता हूँ जो कि इस कंडीशन में सामान्यतः प्रेस्क्राइब की जाती है। तो गाइस टैबलेट का नाम है टर्नेक्सेमिक एसिड, और इसके इंडिया में कुछ पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं जैसे टेक्साकाइंड 500 mg या फिर टर्नेक्साकाइंड 500 mg, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में ईजिली मिल जाती है। वैसे तो ये टैबलेट आपको प्रिस्क्रिप्शन पर मिलेगी, लेकिन ये आपको विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन भी काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। तो अब बात करते हैं इस टैबलेट को कैसे यूज़ करना होता है। तो गाइज देखिए, इस टैबलेट को आप खाना खाने के बाद ही यूज़ करें, क्योंकि इससे स्टमक प्रॉब्लम देखी गई है। और इस टैबलेट को दिन में 3 बार यूज़ करना होता है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो जब आप इस टैबलेट को यूज़ करोगे तो इसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज देखिए, ये सिर्फ ऐसी कंडीशन में ही इस टैबलेट को आप यूज़ करें जब आपके पास टाइम ना हो डॉक्टर के पास विजिट करने का, या फिर आप काफ़ी बिजी हों। लेकिन आपको अपना एब्डोमन का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपरली जानकारी मिल सके कि आपको हैवी ब्लीडिंग किस कारणों से हो रही है, या फिर आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें ताकि वो आपको इसके रिगार्डिंग फर्दर ट्रीटमेंट दे सके। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखता होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।